तो आज मैं कुकिंग सिनेरियो में लेके आई हूँ आप सबकी मनपसंद आलू की भुजिया, जो कि आप ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते में बहुत ही मज़े लेकर खा सकते हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और ये मैं बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसकी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो झटपट आलू की भुजिया बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं उसमें सबसे पहले मैंने ले लिए हैं आलू और आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, नमक 1 टीस्पून, जीरा आपने ले लेना है 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून और सूखा धनिया जो है वो आपने 1 टीस्पून लेनी है और इसको पाउडर फॉर्म में कर लेना है, लेकिन ज़्यादा आपने इसको पाउडर नहीं करना, बिल्कुल अध खडल सा रखना है। रेड चिली फ्लेक्स ले लिए हैं 1 टीस्पून और मेथी, सूखी मेथी ले ली है मैंने 1 टेबल स्पून और सबसे पहले पैन में 1 बिग स्पून ऑयल शामिल कर दें और आपने फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है और इसमें स्लाइस्ड अनियंस डाल दें 1 मीडियम साइज के और इसको सौते कर लें। आपने इसको इतना पकाना है कि इसका ये पिंक पिंक से हो जाए प्याज। इस पॉइंट पर आकर आपने इसमें चिकन क्यूब्स ऐड कर देने हैं, प्याज मेरे पिंक हो गए हैं। और इस पॉइंट पर आकर आपने सारे स्पाइसेस और मसाला जात ऐड कर देने हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, बिल्कुल 1/4 कप, और इसी तरह इसके साथ ही हम अपना मसाला जो है वो भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और अब वक्त है आलूओं का और आलू ऐड कर दें इसमें। अब मैंने टोमेटो प्यूरी शामिल की है 1/2 कप आप इसमें टमाटर भी शामिल कर सकते हैं, 1 बड़े साइज का टमाटर इसके लिए काफ़ी रहेगा। टोमेटो प्यूरी बहुत ही ज़बरदस्त रहती है झटपट कोई भी चीज़ बनानी हो और दम वाली आंच पे यानी कि बहुत ही मीडियम लो टू मीडियम आंच पे आपने इसको रख देना है और इसको चेक करते रहना है लगातार ताकि आपके आलू ना लग जाए। बहुत ही मज़ेदार से आलू की भुजिया तैयार है और आज हम इसको अपने नाश्ते में खाएंगे और इसको बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट है, बहुत ही मज़ेदार लग रही है और ज़ीरा और मेथी दाने ने इसको बहुत ही मज़ेदार बना दिया है और झटपट जो है वो ये तैयार हो गई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।